संकट के बीच उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। ये कैबिनेट बैठक दरअसल आपातकालीन स्थिति जो कि इस वक्त महाराष्ट्र में बनी हुई है उसको देखते हुए बुलाई गई है। कैबिनेट की वर्चुअल बैठक क्योंकि कोरोना संक्रमित हो गए हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी आई थी कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इस वर्चुअल बैठक में शिरकत के बाद दरअसल ये भी तस्वीर साफ हो सकती है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। और ये कैबिनेट बैठक अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुई है। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। विद्या, इस कैबिनेट बैठक के बाद थोड़ी तस्वीर साफ होगी कि दरअसल स्थिति क्या है शिवसेना की? जी बिल्कुल, यही बात काफी देर से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि कैबिनेट में दरअसल तीनों पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने वो जब से ये सिचुएशन बनी है तब से वो डिस्कस जरूर कर रहे हैं। दो दिन से लगातार ये बातें चल रही हैं, लेकिन जो कैबिनेट है, जो महाराष्ट्र सरकार का जो पूरा स्वरूप है, वो अपने आप में एक साथ बैठा नहीं था। आगे इस मुद्दे को क्या करना है, कैसे ले जाना है आगे, इस बात के जिक्र इन सब लोगों ने, नेताओं ने नहीं किया था, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने। हालांकि एक मिनिस्टर तो फिलहाल अंदर हैं, नवाब मलिक, लेकिन अगर बाकी लोगों की अगर हम बात करें तो वो लोग अब मिलके निर्णय ले सकते हैं, लेंगे 1 बजे की इस मीटिंग में कि आखिर आगे क्या होना है, क्या इस्तीफा देना है या फिर अभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति आगे करनी है, कोशिश करना है एकनाथ शिंदे को मनाने की जितनी कोशिश हुई है, क्या उससे ज्यादा और कोशिश करनी है। अब वो यहाँ से सूरत से गुवाहाटी गए हैं, गुवाहाटी जाके भी क्या लोगों को वहां भेज के, वहां पे एमएसएस को जो भेज के उनसे वहां पर मनाने की सारी बातें, तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं के पास इस मीटिंग को लेकर जानकारी है। ऋतिक, क्या जानकारी मिल रही है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री पहुंचे हैं, साथ ही साथ एनसीपी के भी मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन शिवसेना का एक भी मंत्री अभी तक इस कैबिनेट में नहीं पहुंच पाया है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं शिवसेना के कुछ मंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ फिलहाल गुवाहाटी में मौजूद है और जो कुछ बचे हुए मंत्री है वो यहाँ पर मुंबई में एक 5-स्टार होटल में कैंप कर दिए गए हैं। तो अब उद्धव ठाकरे क्योंकि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। लेकिन संजय राउत ने जो ट्वीट किया है कि कहीं ना कहीं इस विधान भवन को डिसॉल्व करने की कोशिश हो रही है और उसकी जरूरत पड़ सकती है, इस ट्वीट ने सभी को, एमवीए के सभी घटक दलों को संभ्रम में डाल दिया है। अब देखना ये जरूरी है कि क्या एनसीपी और कांग्रेस के मंत्री इस बात से कहीं खफा होना जाए या फिर क्या वो सहमति जताते हैं, इस बात पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है और यही बात अभी कैबिनेट में होने वाली है। अगर विधान भवन में डिसॉल्व करना है या भंग करना है तो सीएम को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा और वो इस्तीफा जो है वो कैबिनेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर उस इस्तीफे को मंजूर किया गया उसी के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो विधान भवन में होगी और चलते चलते राजभवन तक पहुंचेगी। हमें पता है सुबह ही खबर आई थी कि राज्यपाल, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। तो ऐसी पूरी स्थिति में बड़ी ही संभ्रम की स्थिति है, लेकिन इशारे जो मिल रहे हैं, जो ट्वीट संजय राउत ने किया है, संजय राउत बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे सुबह तक कि वो एकनाथ शिंदे से बात करेंगे, सभी विधायकों से बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो वापस उन्हें लाए और उस पर उन्हें विश्वास भी है क्योंकि वो पुराने दोस्त थे। लेकिन अब तेवर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं, कुछ भाषा जो है आगे निकल चुकी है, अब तो तीर कमान से निकल चुका है और अब दरअसल इस बात पर बहुत सारे लोगों की नजर टिकी हुई है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं या नहीं, या फिर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की नौबत आ जाएगी, या फिर कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ ने स्पष्ट जरूर किया है ऋतिक कि कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी शिवसेना को। जी बिल्कुल, क्योंकि उद्धव ठाकरे से मुलाकात होनी थी कमलनाथ की और इस बैठक में यही तय होना था कि आगे की रणनीति क्या करनी है। उससे पहले ही टाइमिंग देखना है, टाइमिंग बहुत जरूरी है।